Hey guys, welcome to my another vlog. So today, actually, मैं जो जो करती जाऊंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी. Right now, I am going to buy a hair straightener. By the way, आप मेरे background में देख सकते हैं mirror में मैं ring light लगा के and then record कर रही हूँ ये vlog. Anyway, so I'm going to buy a hair straightener. Actually, क्या हुआ मेरे पास hair straightener एक है. This one, ये Torlen. यस ये Torlen ब्रांड का है. बट ये सब कुछ ठीक है, बट ये हेयर स्ट्रेटनर ना उतना अच्छा नहीं है. हेयर स्ट्रेट करती हूँ तो स्ट्रेट रहता है थोड़ा टाइम, एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा वेवी हो जाता है. नेचुरली मेरा हेयर थोड़ा बहुत स्ट्रेट ही है, बट वो वेवी ज़्यादा हो जाता है. तो मुझे एक अच्छा हेयर स्ट्रेटनर चाहिए जो कि मैं एक बार स्ट्रेट करूँ तो जब तक मैं हेयर वॉश ना करूँ तब तक वैसे ही रहे. नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा हेयर स्ट्रेट नहीं करती हूँ, नॉर्मली ऐसे ही रखती हूँ जैसा मेरा नेचुरल हेयर है. सो या आई एम गोइंग टू बाई ए हेयर स्ट्रेटनर. एंड मेरा हेयर नॉर्मली बहुत ज़्यादा मैस है, जस्ट एक क्लिप लगा के मैं रखी हूँ एंड थोड़ा सा रेडी हो गई हेयर, मैं बाद में ठीक करूँगी. एंड देन ये पिंक कलर का टॉप पहना मैंने. ओ बाय द वे मेरे नेल पॉलिश के साथ मैच कर रहा है, पिंक 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 एंड लिपस्टिक ऑल्सो. ओके सो दिस वन इज़ माई न्यू फेवरेट लिपस्टिक एंड ये है स्विस ब्यूटी का एंड शेड नेम इज पीची डे. यस दिस वन. तो दिस वन इज माई न्यू फेवरेट. मैंने आईज के ऊपर भी लिपस्टिक ही लगाया, एज ए ब्लश भी मैंने यूज किया. एनीवेज तो जाने से पहले मुझे थोड़ा सा भूख लगा है. आई एम हैविंग दिस चिकन, थोड़ा लेटस है एंड देन चावल है. मैं ये खाती हूँ, खाने के बाद जीन्स पहनूंगी एंड देन शू पहनूंगी, बैग लूंगी देन जाऊंगी बाहर. बाय द वे ये चिकन करी नहीं है, ये चिकन का ही कुछ मैंने डिश बनाया. मैं यूट्यूब में देख के कुछ भी बनाती हूँ, बट टेस्टी होता है. ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाती हूँ कुछ भी खाती हूँ, ओके अच्छा बनता है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ. मैं कुछ भी पर देख लेती हूँ तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ और टेस्टी भी होता है. आप कभी आइएगा मेरे घर खाने के लिए, मैं आपको बताऊँगी, मतलब बना के खिलाऊँगी. वन मोर थिंग, अगर ये मैं अभी स्ट्रेटनर खरीदने जा रही हूँ, अगर सेम स्ट्रेटनर मुझे ऑनलाइन थोड़ा यू नो डिस्काउंट में मिला तो मैं ऑनलाइन लूँगी. स्टोर में जाऊँगी, स्टोर में देखूँगी क्या प्राइस है, देन ऑनलाइन भी कंपेयर करूँगी. तो जहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा वहाँ से खरीदूँगी. ऑब्वियसली पैसा बचाना है और ये मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक अच्छा स्ट्रेटनर खरीदना चाहती हूँ विथ गुड डिस्काउंट. आई एम वेयरिंग माई वॉच. हेयर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मोस्ट प्रोबेबली हेयर ऐसे ही रखूँगी. थोड़ा सा हेयर ब्रश करके देन फिर हेयर को मैं ऐसे जस्ट क्लिक करूँगी. एंड मैं कैरी करूँगी ये बैग, इसमें आई थिंक पैसा नहीं है, सो कैश होगा इस बैग में. 500 रुपीज एंड मेरा कार्ड. लास्ट टाइम जो इयरिंग लिया था मैंने हिल रोड से, उसके बाद ये इयरिंग मैं पहनती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही पहनने लगी हूँ. और वैसे भी ये मेरा आदत है. सो हेयर इज माई आउटफिट. आई वेयर दिस अर्बेनिक जीन्स एंड टॉप फ्रॉम जारा. ये भी है क्या, उसी का है? यस वही कंपनी, आप देख लो बहुत अच्छे. और आइकॉनिक का दिखाओ मुझे. एक तो ये है, ये आइकॉनिक वाला. ये कौन सा आइकॉनिक का? एस सी कम रेंज है. एक है 3938 चार साल तक का. वो कहाँ है? ये हाँ मेरी फ्रेंड के पास है, ये बहुत अच्छा है, मुझे पता है ना. ये सब उसके लिए बहुत अच्छा चलता है, बट मुझे नॉर्मल नहीं उसके लिए चाहिए. बट इस बार मैं आपको बता दूँ, मम्मी ये वाला बता. ये अच्छा कैरी करूँ तो इसके अंदर मैं कैरी कर सकती हूँ. सो
अभी स्टेटर लेने के बाद अभी मैं जा रही हूँ ब्यूटीफुल, एक स्टोर है लोखंडवाला में, वहाँ पे मुझे पानी बॉटल लेना है। I have seen lot of water bottle options but I didn't like them so I didn't buy. By the way guys, this is very famous Lokhandwala market. Okay guys, I'm back to home and here is my straightener. I'll show you. This is the iconic professional slim titanium shine straightener which is actually ye professional range mein hai. Yes. Chan-chan-chan. बॉक्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लग्जूरियस है, दैट मीन्स ये है और इसके अंदर ये पाउच मुझे मिला। ऐसे ओपन करके मुझे अगर कहीं जाना हो तो मैं इसके अंदर यू नो लेके जा सकती हूँ। बाय द वे मैं इसमें मेकअप का सामान भी लेके जा सकती हूँ। एंड सो ये है स्ट्रेटनर, बहुत अच्छा पैकेजिंग में आया है। बाय द वे इसका ओरिजिनल प्राइस है एक सेकंड 7000। ओके, तो मुझे ये मिला 5250, मतलब 5250 रुपये में। तो 25% मुझे डिस्काउंट मिला। तो दिस इज ए स्ट्रेटनर, मैं इसको पहले ऑन करके चेक करती हूँ। वैसे शॉप में मैंने चेक किया था, मैंने जस्ट डेमो के लिए इतना हेयर का किया, थोड़ा सा ही किया, उतना भी नहीं, दो बार बस ऐसे किया। एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से स्ट्रेट हुआ है, जस्ट दो बार ही मैंने इसे स्ट्रेट किया। बाय द वे मेरा बैकग्राउंड बहुत मैस है, वहाँ पे मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है जो मैं घर पे पहनती हूँ, तो वैसे ही मैं फेंक के गई। एंड या आई एम हैप्पी विद द स्ट्रेटनर बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक, है ना। 5000 मेरा बजट भी नहीं था, मैंने सोचा मे भी मैक्सिमम 3000 और 3500 मैक्सिमम था, बट चलो कोई नहीं, एक बार ले लिया और होपफुली मुझे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम हैप्पी विद द स्ट्रेटनर। सो अभी मैंने ये जूस बनाया, ये जूस है, इसमें है बीट रूट, आंवला एंड गाजर, मैं तीनों चीज़ मिला के जूस बनाती हूँ। You can see my hand, pinky pinky हो गया है because मैं beetroot का juice बना रही थी। Juice पीते पीते मुझे prepare करना है एक script, मुझे कल एक audition बनाना है, script आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। By the way पीने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है but मैं फिर भी पीती हूँ because ये बहुत healthy है। So ये एक script आया है, can you see? ये जो सुमित्रा का कैरेक्टर है ये है मेरा कैरेक्टर, इस कैरेक्टर पे मुझे एक ऑडिशन बनाना है, ये पूरा बाय हर्ट करना है, लंबा है थोड़ा, दो पेज का है और एक है। तो मैं ये जूस पीते पीते ये स्क्रिप्ट देखूंगी, प्रिपेयर करूंगी, देन फिर कल मैं ऑडिशन बनाऊंगी। मुझे और एक ऑडिशन बनाना है उसका भी प्रिपरेशन कुछ हुआ नहीं, मतलब हल्का फुल्का मैंने एक दो बार देखा है बट मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके देन कल बनाना है। एज एन एक्टर इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब ऑडिशन बनाना एंड स्क्रिप्ट देखना एंड आई लव इट, इसी के लिए तो हूँ मुंबई में। थोड़ा सा बच्चा है, पी लेती हूँ। फिनिश कर लिया मैंने, तो मैं ग्लास रख के आती हूँ, देन आई प्रिपेयर माई स्क्रिप्ट। ओके, मैं ये स्क्रीन पे देख के बात कर रही हूँ। बाय द वे सो हाउ आई प्रिपेयर माई ऑडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क्ड कास्टिंग डायरेक्टर अबाउट द कैरेक्टर ब्रीफ, इफ आई नो कैरेक्टर बैकग्राउंड देन इट बिकम लिटिल बिट इजियर टू मी। देन होल स्क्रिप्ट मैं रीड करती हूँ, देन मैं मेमोराइज कर लेती हूँ स्क्रिप्ट को, ठीक है। स्क्रिप्ट एक बार लाइन्स को मेमोराइज करने के बाद मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइंस तो मेरा हो गया, अब मैं देखती हूँ इस कैरेक्टर में एक्चुअली बोल क्या रहे हैं, मतलब ये जो कैरेक्टर है व्हाट शी वांट टू से, मतलब उसका क्या इमोशन है इसमें, बहुत टाइप का इमोशन होता है, तो इस कैरेक्टर में क्या इमोशन है, मैं ट्राई करती हूँ वो इमोशन को यू नो लाने के लिए।
एंड देन मैं अपने हिसाब से ऑडिशन बनाती हूँ, बना के कास्टिंग डायरेक्टर को भेज देती हूँ. कास्टिंग डायरेक्टर अगर बोलते हैं कि इट इज नाइस देन दैट्स ओके. समटाइम क्या होता है कि नहीं ऐसा करो, एक्चुअली ये कैरेक्टर ये बोलना चाह रहे हैं, ये कैरेक्टर का मूड ये है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई लाइन्स. मैंने स्टोरी पढ़ लिया कैसा कैरेक्टर है क्या है, मैंने देख लिया, अभी मैं लाइन्स पे ध्यान दूंगी. सो यहाँ गाइस सी यू टुमारो. आज के लिए इतना ही है. अभी मैं थोड़ा सा नो अच्छे से थोड़ा रिवाइज करूँगी ऑफ कैमरा, देन कल ऑडिशन बनाऊंगी. सो गाइज आई एम रेडी टू डू माई ऑडिशन नाउ एयर होस्टेस लुक में. आई होप मैंने ये जो स्कार्फ टाई किया वो अच्छे से किया. आई डोंट नो ऑल ओवर लुक ये है, मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी. सो मुझे आज ना 3 ऑडिशन बनाना है. एक तो एयर होस्टेस लुक में, दूसरा लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी. मैं जो जो ऑडिशन करते जाऊंगी आपको लुक रिवील करूंगी. और मैं दिखाती हूँ मेरा जो सेटअप है, सेटअप कुछ नहीं एक्चुअली, एक रिंग लाइट लगा है यानी ये ट्राइपॉड है. मैं हॉल में ही ऑडिशन बना रही हूँ. ये है मेरा सेटअप, मतलब ये रिंग लाइट मैंने लगाया एंड देन ये ट्राइपॉड, यहाँ पे मैं ऑडिशन करूंगी. सो हियर इज द लुक. एक्चुअली मुझे पेंसिल स्कर्ट पहनना था बट मेरे पास नहीं है पेंसिल स्कर्ट, एंड ये डेनिम स्कर्ट है तो मैंने पहन लिया. बिकॉज फ्रेम में इतना तक ही आएगा शायद, इतना और इतना तक, तो वो कोई मैटर नहीं करता, नीचे तो दिखेगा ही. एंड ये शर्ट पहन लिया एंड ये स्कार्फ मेरे पास था पहले से. एंड हेयर इज लाइक दिस. सो हेयर इज द लुक. तो ये लुक में होगा मेरा ऑडिशन नंबर 1. सो हेयर इज माई फाइनल ऑडिशन टेक जो कि मैंने म्यूट कर दिया है. सो गाइस आई एम डन विथ माई फर्स्ट ऑडिशन, नाउ आई विल डू माई सेकेंड वन. सो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ड्रेस चेंज. मुझे पहनना है साड़ी तो मैं पहन के एंड देन आपको मैं दिखाती हूँ लुक. आई एम रेडी टू डू माई सेकेंड ऑडिशन एंड दिस इज माई लुक. एक्चुअली ये मैरिड वुमेन का कैरेक्टर है. सो आई वेयर सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र एंड देन वॉच एंड देन इज द साड़ी. एंड इसका बैक बहुत ब्यूटीफुल है ब्लाउज की. तो आई शो यू द होल आउटफिट एंड मैं कैरी करूँगी एक बैग भी. ये बैग भी कैरी करूँगी. ये कैरेक्टर ऐसा है कि कहीं घूमने जा रही है अपने हस्बैंड के साथ. बैग मैं इसे कैरी करूँगी. मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है तो टेक करने से पहले मैं पहले खाना खाऊँगी. मैंने लिया ये दाल चावल एंड अंडा भुर्जी, तो मैं खाऊँगी. खाने के बाद मैं ऑडिशन करूँगी. दिस इज़ द लुक. नीचे स्कर्ट है, मैंने पेटीकोट नहीं पहना तो स्कर्ट में जैसे तैसे मैंने पहन लिया. एंड हियर इज़ माई सेकेंड ऑडिशन. मैंने म्यूट कर दिया है एंड फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बट स्टिल यू कैन सी माई एक्ट ए लिटिल बिट. दिस इज द थर्ड आउटफिट. हियर इज़ एक कुर्ती एंड ये मैंने एक दुपट्टा लिया एंड हेयर टाई किया. बाय द वे ये जो आउटफिट है ये बहुत ही फनी आउटफिट है. मैं अगर फुल आउटफिट दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा. एंड स्क्रीन पे तो बस इतना ही दिखना है, इतना ही दिखेगा, तो आई डोंट माइंड. मतलब नीचे कुछ भी पहनूं क्या ही फर्क पड़ता है. तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा होल फनी सा आउटफिट. सो दिस इज द आउटफिट. आई वाज सेइंग इट्स अ फनी बिकॉज एज यू कैन सी ये नीचे स्कर्ट है जो साड़ी के साथ मैंने पहना था, वही स्कर्ट. नीचे मैंने कुछ भी नहीं पहना, ऊपर जस्ट एक कुर्ता डाल दिया. एंड रूम में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसीलिए बहुत डार्क दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा यू नो एडजस्ट कर लेना. एंड हियर इज ए क्या बोलते हैं, बाकी तो मैंने दिखाई दिया आपको. एंड हियर इज माई थर्ड एंड लास्ट फाइनल ऑडिशन टेक. ऑडिशन करते करते मैं बिल्कुल थक गई, अभी मैं कुछ खाऊंगी. सो आई एम हैविंग दिस ब्रेड ऑमलेट एंड ये कोल्ड कॉफ़ी. बाय द वे ये कोल्ड कॉफ़ी मैंने घर पे ही बनाया एंड कोल्ड कॉफ़ी में मैंने बहुत सारा आइस ऐड किया. आज मैं जा रही हूँ इन्फिनिटी मॉल बिकॉज फेब्रुअरी में मेरा नेफ्यू का बर्थडे है एंड मैं जा रही हूँ होम टाउन एंड मेरे नेफ्यू के लिए मुझे लेना है एक जैकेट. Right now I'm in Westside store and here is my OOTD. I wear this tie-dye sweatshirt and this black leggings with sneakers and I carry this. By the way, ये वाला नहीं, ये तो मैं just ऐसे ही दिखा रही हूँ, ये store से ही मैंने लिया. Just देख रही हूँ कैसा लग रहा है. So I carry this black waist bag.
सो वेस्ट साइड में मुझे अच्छा जैकेट नहीं मिला, दोज आर वेरी थिन स्वेटर. राइट नाउ आई एम इन पैंटालून स्टोर एंड फाइनली आई चूज दिस वन. आई रियली लाइक द कलर एंड स्टाइल एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये जैकेट मिला 999 में. हेलो, इसका क्या प्राइस है? 999 ठीक है. सो गाइज आई एम बैक टू होम एंड मैं मॉल गई थी मेरे नेफ्यू के लिए जैकेट लेने के लिए, जो कि मैंने ले लिया. एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेरी, आई एम फीलिंग लिटिल बिट अपसेट. आई एम मिसिंग माई ब्रदर सो मच बिकॉज जहाँ पे मैं बिलिंग कर रही थी काउंटर में, उसके पास ही एक बॉडी स्प्रे देखा जो कि मैं पहले बहुत यूज़ करती थी. और जब भी मैं घर जाती थी तो मेरा भाई वो बॉडी स्प्रे रख लेता था, बोलता था दीदी ये मुझे दे के जाना, वो रख लेता था मुझसे, तो बॉडी स्प्रे वो यूज़ करता था. जब लास्ट टाइम भाई से मिली, उस बार जब मैं आई बॉम्बे रिटर्न आ रही थी, तो बोल रहे थे कि दीदी ये छोड़ के जाना, तो मैं वो छोड़ के आई. फिर जब मेरा भाई चला गया इस दुनिया से, तब मैं गई, जब घर गई थी तो बॉडी स्प्रे मैंने, मुझे दिखा वो बॉडी स्प्रे का खाली डब्बा घर पे रखा हुआ था, तो मैं वो मेरे पास ले आई. मैं मेरे घर पे अभी रखा है वो बॉडी स्प्रे का खाली डब्बा है, बट उसने यूज़ किया तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो चीज़, तो मैं वो ले आई. एंड आज जब वो उसका फ्रेग्रेंस में, मतलब मैंने जब वो बॉडी स्प्रे स्मेल किया ना, मुझे वो सब चीज़ें याद आने लगा. मतलब मैं मैं उस टाइम पे चली गई बिल्कुल. तो या आई जस्ट डोंट, मैं अभी थोड़ा सा अकेले रहना चाहूँगी अभी. एंड हाँ कुछ नहीं, मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ. सो या गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.